बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के गैर लाभकारी संगठन मीर फाउंडेशन फिलहाल 120 एसिड हमला पीड़ितों का उपचार कर रहा है। शाहरुख ने शुक्रवार दोपहर को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की जिसमें उन्हें एसिड हमला पीड़ितों के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, साल 2013 में शाहरुख ने मीर फाउंडेशन की नींव रखी। उन्होंने अपने पिता मीर ताज मोहम्मद खान के नाम पर इस संस्था का नाम रखा। उनकी यह संस्था एसिड हमला पीड़ितों की बेहतरी के लिए काम करती है। इसमें उनके उपचार से लेकर उन्हें नौकरी और अन्य सुविधाएं दिलाने तक की बात शामिल है। इसमें सुविधाओं से वंचित बच्चों की देखभाल भी की जाती है। शाहरुख ने अपने प्रशंसकों से वादा किया है कि वह 2 नवंबर को अपने जन्मदिन पर एक नई फिल्म का ऐलान करेंगे। आईएनएस रिपोर्ट।